যেখানে যাও মহিলাদের একদম একই স্থিতি। যে ভাইকে পুরুষ হ্যাঁ পুরুষ প্রধান পুরুষ মালিক, মহিলা অনুগামিনী। আমরা বলি না আমার স্বামী কাজ করে, স্বামী কিসে ভাই, স্বামী কেউ ও মেরা জীবন সাথী হ্যাঁ, মেরা স্বামী নেই হো সকতা। মে তো আপনে হাজবেন্ড কো বলতে হুঁ মেরা ফ্রেন্ড, মে আপকে মে জীবন সাথী হুঁ, মে আপকে দাসী নেই হো সকতি। আর মে আপনে হাজবেন্ড কো প্যার করতি হুঁ, বলে মুঝে প্যার করতে হ্যায়, হামারি কোই ঝগড়া লড়াই নেই হোতি হ্যায়, ক্যোঁকি ও জানতে হ্যায় কি ये समझ चुकी है अपने अस्तित्व को। और मैं हर महिला को हर महिला को मैं यही बोलती हूँ कि तुम ना नीचे के चुनो, जब तक आप अपने को नहीं पहचानोगे तब तक दुनिया में आपको कोई नहीं पहचानेगा। संतोष बहन ने अपने को पहचाना, उनके पति बीमार थे, उन्होंने कदम आगे निकाला, सास बोलेंगे ससुर बोलेंगे बोले दो, थोड़े दिन के बाद वो चुप हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तो मैं बहनों को यही बोलती हूँ कि अपना काम करो। और बहनों के बारे में एक बार और भी बोला जाता है, महिलाओं के बारे में चाइना में, चाइना की जो लिपि है ना, लिपि स्क्रिप्ट, ये हमारा बांग्ला हिंदी ये देवनागरी है, तो जैसे इंग्लिश है और रोमन है, और उनकी जो है ना वो चित्र लिपि है, अभी भी चाइना में चित्र लिपि। तो चित्र लिपि में अगर झगड़ा बताना होता है ना, झगड़ा लड़ाई लड़ाई झगड़ा, तो वो दो महिलाओं का खुला हुआ मुंह बनाते हैं। दिस इज अ सिंपल, पुरुष का नहीं बनाते हैं, महिलाओं का खुला हुआ मुंह बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि झगड़ा मतलब महिला जहाँ होगी झगड़ा करेगी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अब कहती हूँ और मैं प्रूफ करती हूँ, और इसका ओरिजिन बांग्लादेश से हुआ है। मैं सलाम करती हूँ बांग्लादेश की उस थ्योरी को जहाँ से सेल्फ हेल्प ग्रुप की सृष्टि हुई। सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे बने, सभी जानते होंगे ऐसे जी सखी मंडल, इसका जो बेस है ना वो बांग्लादेश से शुरू हुआ था। और छोटी छोटी पूंजी माइक्रो फाइनेंस, छोटी छोटी पूंजी से माइक्रो फाइनेंस से, पर अभी ये जितने भी विकासशील देश हैं डेवलपिंग कंट्री है वहाँ के लिए मूल मंत्र है, मूल मंत्र है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ ग्रुप बनाए और थोड़ा थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा टाका इकट्ठा करेंगे और हम अपना, और ऐसे पुरुषों के भी बने हाँ, ये महिलाओं के तो बने ही पुरुषों के भी ग्रुप बने, लेकिन मैक्सिमम 99% पुरुष के ग्रुप, 99% का मुझे गारंटी नहीं है कोलगेट की तरह, तो 99% ग्रुप फेल हुए पुरुषों के। थोड़े से पुरुष बैठे हैं माफ करना, 99% ग्रुप फेल हुए एसएचजी के, जो जिसने जो पुरुषों ने बनाया, लेकिन वहीं पे 90% ग्रुप सक्सेस हुए जो महिलाओं ने बनाया। एकदम एकदम स्वस्ति घटना। और स्वस्ति कथा आज कि हमने झगड़ा तो बोली, हमारे झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों पे और थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हम बहुत बड़ी लड़ाई नहीं करते हैं। थोड़ी सी लड़ाई हुई दो चार दिन मुकला है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं, हम फिर भूल जाते हैं और फिर हम इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन पुरुषों में ये बात नहीं है, पुरुषों की मुझ की लड़ाई है। भगवान का थैंक्स है कि हमें मुझ नहीं दिया, हमारी कोई मुझ नहीं है, इसलिए हमारी मुझ की लड़ाई भी नहीं है, हम लड़ते हैं और फिर इकट्ठे होते हैं। इसलिए महिलाओं का संगठन चलता है, छोटी लड़ाई छोटी देर के लिए और फिर समाधान कर लेते हैं, लेकिन पुरुषों में तो मार काट तक पहुंच जाती है बात। तो ये जो हमारे अंदर में जो गुण दिया प्रभु ने, ईश्वर ने, परम पिता ने, ऊपर वाले ने, उसका हमें उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए कि जो हमारे अंदर में एक होने की क्षमता है, जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को हार्वेस्ट करने के बाद ही हम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन हो या बिजनेस वुमन हो, वो अकेले कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो अकेला चलेगा तो वो कभी भी डेस्टिनेशन पे मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। अगर सबको लेके चलेंगे तो आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। इसलिए ये इस चीज़ को हमें बना के रखना है और काम करना है, स्पेशली जो थोड़ी
हमारी पंचमारी की तो दोनों है, उनसे तो मैं बराबर मिलती रहती हूँ। हाँ छोटे वो एक लता बहन थी ना, चली गई ना, वो मैं कनक लता हूँ ना, इससे मुझे लता का याद है। पता है कि वहां पे क्या है। तो अगर जो हम मुर्गी पालन करते हैं ये हमारी
आता रहेगा और बहुत ही इजीली आता रहेगा। अभी मैं आपको बताऊं, हालांकि अभी उस देश का नाम लेने से गुस्सा आ जाता है, लेकिन लेना पड़ता है, चाइना। चाइना, चीन जो है, चीन देश में जो पोल्ट्री का, जो अंडे का उत्पादन है, अंडे का उत्पादन का 60% अंडा सिर्फ महिलाओं के द्वारा पाले गए मुर्गी से आता है। महिलाओं के द्वारा मतलब जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फार्म बना लिया, लेकिन जब घरेलू मुर्गी पालते हैं, मुर्गी लाया, छोड़ दिया, वो घूम घूम के अपना चारा खाती है और वो अंडा देती है, तो सिर्फ 60% अंडा सिर्फ जो घर की महिलाएं पालती हैं उससे आता है। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी कोई बात नहीं, तो वो अभी भी वहाँ पे क्या है कि वहाँ लोगों को पता है, ये महिलाओं को पता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब तक हमारे हाथ में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आएगी तब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो हम शहर की महिलाएं तो कोई ट्यूशन कर लेता है, कोई छोटा मोटा उद्योग कर लेता है, पर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो बहनें होती हैं उनको बहुत मुश्किल होती है कि वो क्या करें। वो इतनी शिक्षित नहीं होती हैं कि वो कुछ दूसरा एंटरप्रेन्योर ढूंढ सके। लेकिन अगर उनके अपने खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ अगर कोई एंटरप्रेन्योर है वो कर सकती हैं, तो मुझे जो सबसे इजी और एकदम कम खर्च का जो बिजनेस लगता है दैट इज मुर्गी पालन, देसी मुर्गी। अपने घर की जो मुर्गी है उनके अंडे से बच्चे बनाए और उनको बढ़ाना है। इससे आपको, मैं तो यहाँ भी पंचमहल में जाती हूँ, जब गांव में, तो मैं बोलती हूँ कि मत खाओ, खाने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए आप कोई भी एंटरप्रेन्योर को स्वीकार कर सकते हैं और उसको आप बाजार में बेच सकते हैं। इसके अलावा जो अंडा है, कई तरह का अंडा सिर्फ मुर्गी का नहीं होता है। बांग्लादेश में पानी का वाटर बॉडी बहुत है, कुकुर है ना, हर घर के साथ साथ तालाब होता है, वहाँ का एक सिस्टम है। तो हंस खास पाल के पहले हमारा आजकल क्वेल बटेर आता है, क्वेल छोटे छोटे पक्षी हैं, उनको हम छोटा छोटा घर बना के पाल सकते हैं। और उसके जो अंडे होते हैं वो छोटे, जैसे बच्चे कंचे खेलते हैं ना, वो गोली खेलते हैं ना, ऐसे हाँ छोटे छोटा होता है, तो उसका बहुत ही अच्छा आचार बनता है, बहुत अच्छा आचार बनता है। क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, जब मैं पोर्ट ब्लेयर में थी, अंडमान में मैं पोर्ट ब्लेयर में रही, वहाँ पर हमने कोयल पालन के साथ साथ अंडे का अचार बनवाया और वो जो बहने बनाती थी अंडे के अचार पैकिंग करके, और वो आर्मी की जो छावनी थी वहाँ पे जाती थी। आज वो जिम वाली बहन चली गई, उन्होंने प्रोटीन की बात की थी, तो जो हमारे आर्मी होते हैं उनको बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि हमेशा सीमा पे तैनात रहना पड़ता है, स्टेमिना चाहिए। तो वो कोयल के अंडे का, एक अंडा उनका 50 पैसे का बिकता था, बहुत छोटा सा होता था, 10-12 ग्राम का होता है, पर अगर जब उसको पिकल बना देते, एक मतलब 2 अंडे का 1 रुपया मिलता था, लेकिन अगर वो पिकल बना देते थे तो सिर्फ 10 अंडे का उनको 25 से 30 रुपया मिलता था। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वो मतलब एंटरप्रेन्योर कितना है। और सिर्फ घर में बैठ के कासुंदी तो सभी बंगालियों का बहुत ही फेवरेट डिश होता है कासुंदी, हालांकि गुजरात के लोग नहीं जानते हैं। तो ये कासुंदी घर घर में आप बना सकते हो। मैं थोड़े एंटरप्रेन्योर ऐसा बता रही हूँ जो बांग्लादेश में चालू आप कर सकते हो। तो कासुंदी का अभी बड़े बड़े जो कंपनी है, जो फूड प्रोडक्ट्स है, मैगी ने कासुंदी बनाना शुरू कर दिया, जो मैगी वालों को कुछ पता भी नहीं होगा कासुंदी का टेस्ट क्या होता है, पर ज्यादा खाए और भूले अच्छे कासुंदी की बड़े तौली हुआ। तो ये अपना एक ब्रांड बना के आप काम कर सकते हैं कासुंदी, सो सिंपल टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास में, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम अपने आसपास में ही ढूंढना है, हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल ही नियर बाय। अभी मैं जब भी बिहारी बहन को देखती हूँ तो मुझे, मैं जरा सत्तू में बात करूँ कि पहले सत्तू खाना बैकवर्डनेस था, अभी बंगाली लोग भी बैठे हैं यहाँ पे बांग्लादेश के, हमारा सोना बांग्ला ये बोलते थे छत खेसे से, ठीक है जो छत खेसे से, मतलब दैट इज बैकवर्डनेस की निशानी थी कि वो सत्तू खाता है। बट आज वो इंडियन फास्ट फूड
इंडियन फास्ट फूड के रूप में फॉरेन में एस्टेब्लिश हो चुका है, क्योंकि चना, चना के अंदर जो हमको न्यूट्रलाइज करने का, आपको एसिडिटी हो रही है, आप सत्तू पी लो एक ग्लास पानी में घोल के, न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब एसिडिटी को नॉर्मल कर देता है। उसके अंदर वैल्यू एडिशन हो जाती है, थोड़ा जीरा, जीरा डाल देते हैं भून के, तो इस तरीके से अलग अलग टेस्ट का सत्तू बन रहा है। तो इस इन सब चीज़ों को हम लोग ऐसे सोचते हैं कि जो पुरानी चीज़ें थी वो वही अब हमारे लिए फिर नई चीज आ गई है। अभी बहन संतोष बहन है, अभी मारवाड़ी मेहंदी, कुवैत, अरब, अरब की जो महिलाएं हैं वो राजस्थानी मेहंदी, पाली की मेहंदी, स्पेशली पाली एक जगह है, यहाँ की मेहंदी के लिए डिमांड आती है वहां से। जब अरब की किसी शेख की बेटी की शादी होती है ना, तो वहां से पाली में डिमांड आता है और यहाँ से मेहंदी जाती है हिना। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल चीज है, हमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है। हमारे यहाँ बिहार की, जैसे जयपुर की भी फेमस है और बिहार की भी फेमस है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ी बहुत ही खूबसूरत होती है, संतोष बहन ने पहन ली है। हाँ, ये लाख की चूड़ियाँ, इसका अभी इंटरनेशनल मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट आ गया। और मैं बस दो मिनट ले।